केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा परिकल्पित स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए देश के पहले खासा क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। यह साल खासा क्रीड़ा महोत्सव का पांचवा साल है, जिसका उद्घाटन पीटी उषा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज के हाथों किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान संयोजक संदीप जोशी द्वारा दी गई है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र राज्य के खेल मंत्री गिरीश महाजन प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। नागपुर में खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण खासा क्रीड़ा महोत्सव नागपुर में खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण 8 से 22 जनवरी 2023 तक चलेगा। खासा क्रीड़ा महोत्सव में शहर के विभिन्न हिस्सों के 63 मैदानों या खेल स्थलों पर 55 खेल खेले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ष के महोत्सव में विदर्भ स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय भी खासा क्रीड़ा महोत्सव समिति द्वारा लिया गया है। विभिन्न 55 खेलों में विदर्भ स्तर पर 5 और महाराष्ट्र स्तर पर 1 प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विदर्भ स्तर पर कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, कुश्ती और साइकिलिंग की 5 प्रतियोगिताएं होंगी। महाराष्ट्र स्तरीय आमंत्रण सीनियर बास्केटबॉल टूर्नामेंट होगा। मंत्री नितिन गडकरी द्वारा परिकल्पित एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल न केवल नागपुर के एथलीटों के लिए बल्कि अब पूरे विदर्भ और मंच यह 8 से 22 जनवरी 2023 तक चलेगा। के विभिन्न हिस्सों के 63 मैदानों या खेल स्थलों पर 55 खेल खेले जाएंगे। दिलचस्प बात यह कि इस वर्ष के खासा क्रीड़ा महोत्सव में विदर्भ स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय भी खासा क्रीड़ा महोत्सव समिति द्वारा लिया गया है। विभिन्न पद पर 5 और महाराष्ट्र स्तर पर 1 प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विदर्भ स्तर पर कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, कुश्ती और साइकिलिंग की 5 प्रतियोगिताएं होंगी। महाराष्ट्र स्तरीय आमंत्रण सीनियर बास्केटबॉल टूर्नामेंट होगा। माननीय खासदार नितिन जी गडकरी यांच्या संकल्पनेमधून खासदार क्रीडा महोत्सवाचं हे 5वं वर्ष नागपूरमध्ये आहे। असा एकमेवा द्वितीय असा हा क्रीडा महोत्सव आहे की जो संपूर्ण देशामध्ये फक्त आणि फक्त नागपुरात होतो। हा माननीय नितीनजींच्या प्रेरणेमुळे होतो। दरवर्षी याच्यामध्ये गेम्स वाढत असतात। यावर्षी केवळ 15 दिवसांमध्ये 55 गेम्स 63 क्रीडांगणांवरती जवळपास 12,000 वरती मॅचेस, जवळपास 12,000 वरती मेडल्स, 3,500 वरती ट्रॉफीज आणि ज्या ठिकाणी खेळाडूंना कधीच मिळत नाही असे 1,30,00,000 रुपयाच्या वरचे पुरस्कार हे या क्रीडा महोत्सवाचं वैशिष्ट्य आहे। आणि 5वा वर्ष असल्यामुळे माननीय नितीनजींनी असं ठरवलं की या शहरातल्या प्रत्येक खेळाडूचा विमा हा मी काढून घेणार की जेणेकरून हा खेळाडू वर्षभर मग नॅचरल असेल अथवा ॲक्सिडेंटल असेल किंवा अपंगत्व काही आलं दुर्दैवानी तर यामध्ये या खेळाडूचा विमा काढून त्याला नेहमीकरता मदत ही होईल। या दृष्टीने रुपये 2,00,000 विमा हा देखील यामध्ये काढला जाणार आहे। या क्रीडा महोत्सवामध्ये ओउमनिया हा महिलांकरचा कार्यक्रम, त्याच पद्धतीने ज्येष्ठ नागरिकांचा क्रीडा महोत्सव, त्याचप्रमाणे दिव्यांगांचा क्रीडा महोत्सव, त्याचप्रमाणे मॅरेथॉन, सायकलिंग हे देखील यामध्ये होणार आहे। 5वं वर्ष म्हणून विदर्भस्तरीय 5 गेम्स यामध्ये होतात आहे। कबड्डी, खो खो, ॲथलेटिक्स, कुस्ती, सायकलिंग आणि इन्व्हिटेशनल बास्केटबॉल महाराष्ट्र असे गेम्स यामध्ये होतात आहे। याचं उद्घाटन 8 तारखेला आपल्या देशाचं पहिलं मेडल आणणाऱ्या इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षा पीटी उषा यांच्या शुभ हस्ते, त्याचप्रमाणे महिला इंडियन क्रिकेटची एक्स कॅप्टन मिताली राज या दोघींच्या शुभ हस्ते घेण्याचं निश्चित झालेलं आहे मानकापूर स्टेडियम या ठिकाणी। त्याचप्रमाणे माननीय नितीनजी गडकरी स्वतः या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील। पूर्व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे क्रीडामंत्री गिरीश महाजन हे देखील याला उपस्थित राहतील। माझी आपणामार्फत या शहरातील जनतेला विनंती आहे की हा क्रीडा महोत्सव हा तुमचा आणि माझा क्रीडा महोत्सव आहे। हा क्रीडा महोत्सव हा नागपुरातील सर्वांचा क्रीडा महोत्सव आहे आणि त्यामुळे या क्रीडा महोत्सवामध्ये क्रीडापटूंच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप देण्याकरता, त्यांना प्रोत्साहित करण्याकरता आपण 8 तारखेला सायंकाळी 5:30 वाजता मानकापूर स्टेडियम येथील ॲथलेटिक्स ग्राउंडवरती आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं एवढीच आपल्याला विनंती करतो। धन्यवाद।